कोरोना का नया वेरिएंट मुसीबत है, एक सरकार को टीकाकरण के लिए गंभीर होना होगा, राहुल गांधी ने कहा। तमिल एक्ट्रेस अर्चना गौतम को दोबारा ज्वाइन कराई गई कांग्रेस, पहले हो गई थी नाराज। कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ, विदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की बंद करें उड़ाने। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इस कानून में थी क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शुभम मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। कोरोना ने एक बार फिर से लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से ही आगरा के सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल और SN मेडिकल कॉलेज में पुख्ता इंतजाम कराए और साउथ अफ्रीका, हांगकांग सहित दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों की मॉनिटरिंग पर पैनी नजर रखने को कहा गया। साथ ही रेलवे स्टेशन और ताजमहल पर भी सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में तो इस समय अपने देश में और अपने खासतौर से प्रदेश में इस समय केसेस की संख्या बहुत कम है, न्यूनतम मान सकते हैं, लेकिन देश के कुछ प्रदेशों में अभी दिक्कत है, महाराष्ट्र और केरल और वेस्ट बंगाल में। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी आई है कि एक नया अलर्ट आया है इंटरनेशनल, एक साउथ अफ्रीका का म्यूटेंट है B.1.1.1.529, इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले यात्रियों के लिए, तो इनकी मॉनिटरिंग की एक प्रक्रिया, एक सघन मॉनिटरिंग करना और इनको जब तक यहाँ रहें तब तक इनको अपने रडार में रखना, साथ में इनके कॉन्टैक्ट को अपने रडार में रखना, ये हम लोग का एक विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी हुई है। आज इसके लिए हम लोग ने ये एक बैठक भी की है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक पत्र भी जारी करने का अनुरोध किया गया है कि सभी खासतौर से होटल से व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को एक गूगल फॉर्म के माध्यम से हम लोग एक लिंक जारी करेंगे, जिस पे कोई भी अगर इन देशों से आने वाला या इन देशों का पासपोर्ट धारी होगा, उसके अलावा यदि विगत 30 दिनों में इन देशों में किसी ने अगर यात्रा कर रखी हो तो उसकी तत्काल सूचना हमें दें, जिससे हम अपनी जो कार्रवाई है संक्रामक निरोधक उसको तुरंत कर पाएँ और इस तरह का कोई भी संक्रामक रोग अपने आप छाप प्रसार से रोक पाएँ। इसके अलावा इलाज को लेकर क्या किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, जो हम लोग की तैयारी पूरी तरह से है, खासतौर से अब लोड अस्पतालों पे, जैसे पिछली बार देखा गया था शहरी चिकित्सालयों में बहुत सारा लोड आ गया था, इसको देखते हुए कोशिश की गई है कि हम लोग ने रूरल अस्पतालों को भी तैयार किया है। हरदोई के तड़ियावा थाना के ग्राम सभा सैचा मऊ में ग्राम प्रधान ने लाइसेंसिंग रिवॉल्वर से एक युवक को गोली मार दी। कई गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान के साथ तीन और लोगों पर गोली पर आरोप लगाया गया है। कई राउंड गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। कांग्रेस के 241 अहायशा विधानसभा चुनाव की प्रबल दावेदार अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ रैली में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के विचारों और प्रतिज्ञाओं को जानने के लिए महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। जिलाध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में फतेहपुर से नारी शक्ति और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कई बसों में सवार होकर महोबा में होने वाली महारैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। आज महोबा में कांग्रेस पार्टी की माननीय प्रियंका जी की महारैली है,
उसी में प्रतिभाग लेने के लिए मैं हेमलता पटेल फतेहपुर से महिला जिलाध्यक्ष सैकड़ों समर्थकों के साथ वहाँ रैली को मजबूती देने के लिए, प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग आज महोबा पहुँच रहे हैं उनको सुनने के लिए और उनको देखने के लिए सारी महिलाओं के साथ में, पुरुषों के साथ में। बिजनौर के नजीबाबाद विधानसभा में बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। शाहनवाज आलम को नजीबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी की घोषणा हो ही गई है और शाहनवाज आलम ने अपने निजी आवास पर कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाया। भाई देखिए, नजीबाबाद का जो है 10 साल से यहाँ पे विधायक है, उन्होंने ना तो कोई विकास कार्य किए, न किसी के सुख में न दुख में। NRC आया, लॉकडाउन आया, कोरोना आया, लोगों के बीच में जाने का काम नहीं किया। हम लोग जो हैं अब जनता के बीच में आए हैं और जो हम कह रहे हैं वो कह नहीं रहे क्योंकि हमने करके दिखाया है। मैं जनता उसी का विस्तार करने के लिए नजीबाबाद में आए हैं। लोगों के बीच में जा करके इतनी मोहब्बत मिल रही है, बाखुदा मैं तो कर्जदार हो गया नजीबाबाद की जनता का और मैंने अपना घर भी यहाँ अमान नगर में ले लिया है। अब इन लोगों के बीच में अपना परिवार छोड़ कर आ गया हूँ, अब नजीबाबाद की जनता ही मेरा परिवार है। फतेहपुर जनपद के देवमई विकास खंड के पधारा गांव में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र चिकित्सक सर्वेश पटेल निशुल्क ने नकुल ने 72 नेत्र रोगियों का परीक्षण किया जिसमें 25 मरीज मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए। शिविर का शुभारंभ युवा विकास समिति के जिला प्रवक्ता आलोक गौड़ ने किया। उन्होंने कहा कि आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है, समस्या पर अच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के फर्नीचर शोरूम में लगभग 3 लाख की चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया। चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं फर्नीचर मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। फर्नीचर की दुकान है हमारा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ कैश वगैरह और एक अल्टरनेटर वगैरह ये चोरी हुआ है। यहाँ पर सामान में क्या क्या चोरी हुआ? LED सिलाई मशीन और अल्टरनेटर और तुम्हारा कैश। लगभग कितने लाख की घटना होगी? करीब समथिंग ऐसे 3 लाख की घटना है। तो चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां फर्नीचर के शोरूम में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरह से शटर तोड़ के लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, फर्नीचर के शोरूम में ये चोरी की गई है जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और बताया जा रहा है कि लगभग 3 लाख की चोरी हो गई जिसके बाद इलाके में हड़कंप है। चोरों ने शटर तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इलाके में इस घटना के बाद से ही दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। फर्नीचर मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लखीमपुर खीरी के सीमा पर एक नेपाली युवक भारत से नेपाल ब्राउन शुगर ले जाने की फिराक में था जिसकी सूचना SSB और पुलिस को मिली। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस और SSB के जवानों ने भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय पिलर के पास नाकाबंदी करके भारत से नेपाल जा रहे एक नेपाली युवक को रोकना चाहा जिसके बाद नेपाली युवक जवानों को देखते ही भागने लगा जिस पर जवानों ने नेपाली युवक को धर दबोचा और तलाशी के दौरान उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। आजमगढ़ के मंडलिया अस्पताल में बीते 8 वर्ष से न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की कमी है। इस बात की शिकायत कई बार शासन से की जा चुकी है पर आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिले में MRI के लिए बिल्डिंग तो बन गई पर मशीन नदारद है जिसके कारण यहां पर रहने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जबकि सुविधाओं के अभाव में इन मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में न्यूरो सर्जन हमारे यहाँ
उपलब्ध नहीं है। इनकी इनकी पोस्ट हमारे यहाँ जरूर क्रिएट की गई है, लेकिन किसी भी न्यूरो सर्जन ने कभी भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया। इसकी वजह से हमारे जो जनता है उसमें उसके लिए हम यहाँ से सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने हमेशा शासन को लिखा और अभी रिसेंटली भी हमारे द्वारा आयुक्त महोदय के माध्यम से इसके लिए लेटर भेजा गया है। और सेम कंडीशन हमारी MRI के लिए भी है। MRI के लिए मेरे द्वारा तो कई बार लेटर लिखे गए, इस बार आयुक्त महोदय ने स्वयं मिशन निदेशक लखनऊ को इस पत्र भेजा है। अलीगढ़ के तहसील इगलास के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में एक प्रतियोगिता का आयोजन सांसद राजवीर दिलेर ने किया, जहां पर सांसद खेल स्पर्धा के बैनर तले ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उद्घाटन के दौरान सांसद राजवीर दिलेर ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सिल्वर मेडल समेत जरूरी सामान उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी दिए थे। इसके बाद खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के समय खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में परचम लहराया। वहीं दूसरी तरफ कबड्डी में छात्रों ने कबड्डी का महासंग्राम दिखाया, जिसमें छात्रों को वीडियो सहित खेलकूद अधिकारी के द्वारा स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में लक्समा स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसको लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो तहसील स्तरीय प्रतियोगिता है जो कि सांसद निधि के कार्यक्रम में ये अंतर्गत हो रही है, हमारे लक्ष्मा स्पोर्ट्स अकेडमी के 30-40 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया और 90-95% लगभग जो है सभी बच्चों ने मेडल प्राप्त किया। इसमें ज़्यादातर गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिल्वर ब्रॉन्ज है। और हमारी इस अकेडमी का बहुत अच्छा जो प्रदर्शन रहा है और मैं आशा करता हूँ कि इससे और बेहतरीन जिले पर क्लास तहसील जो है अच्छा नाम रोशन करके आए, जिससे हमारे तहसील में खेल का विकास और ज़्यादा हो। क्या का प्रदर्शन करा आज जो तहसील स्तरीय प्रतियोगिता है जो कि सांसद निधि के कार्यक्रम, तो लाल बहादुर शास्त्री मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें काफी प्रोत्साहन करने के साथ ही जरूरी जो सामान है खेल से जुड़ा उसको लेकर भी उन्हें प्रोत्साहित किया गया और दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि जो भी जरूरी सामान है खेल से संबंधित उसको भी मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस खेल में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कई खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब प्रोत्साहित किया गया सांसद द्वारा तो खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। तो लाल बहादुर शास्त्री मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सांसद खेल प्रतियोगिता में छात्रों का जलवा देखने को मिला। छात्राओं ने भी अपना अच्छा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को देखते हुए लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। तो जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इससे खेलकूद के क्षेत्र में बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि राजवीर दिलेर जो कि सांसद हैं, उन्होंने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जहां पर सांसद खेल स्पर्धा के बैनर तले ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उद्घाटन के दौरान सांसद राजवीर दिलेर ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सिल्वर मेडल सहित जरूरी सामान भी उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे खिलाड़ी काफी प्रोत्साहित हुए और खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के समय खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में परचम लहराया। आपको बता दें खिलाड़ियों का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी महोबा पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा को संबोधित करने वाली हैं और उनकी इस जनसभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि वो यहां पर प्रियंका गांधी की रैली के तहत महिलाओं से संवाद करेंगी। तो प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली के तहत महिलाओं से संवाद करेंगी, जिसके लिए महिलाओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से भीड़ है। प्रतिज्ञा रैली में शामिल होने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है।
महोबा से ये खबर सामने आ रही है, प्रतिज्ञा रैली का सभी को काफी इंतजार था क्योंकि प्रियंका गांधी खुद जनता के बीच आने वाली थी और खासतौर से महिलाओं के। इस बार जो यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी उतर रही हैं और सबसे बड़ा मुद्दा लेके चल रही हैं महिलाओं का, महिला सुरक्षा, महिला के अधिकार, सबसे ज्यादा सीट देने की बात भी कर रही है प्रियंका गांधी। और आपको बता दें कि जो महिलाओं को लेकर साथ चलने की बात कह रही है प्रियंका, इसी को लेकर प्रियंका की इस रैली में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इससे पहले भी आपको बताया हमने कि किस तरह से महिलाएं बसों में भर भर के गई हैं। प्रियंका गांधी को देखने के लिए यहाँ भारी की संख्या में भीड़ उमड़ी है, जिसमें खासकर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। उनका कहना था कि टिकट में महिलाओं को आरक्षण मिले, इसके अलावा महिलाओं को आधी आबादी है तो वो आधी आबादी के हिसाब से उनको उनका अधिकार भी मिलना चाहिए। अच्छा, प्रियंका गांधी ने कहा है स्कूटी देंगे लड़कियों को, तो आपको किसने बुलाया? प्रियंका गांधी की रैली को लेकर और यहाँ खासतौर पर महिलाओं की यहाँ जो तादाद है काफी मात्रा में दिखाई दे रही है, और कुछ देर बाद यहाँ प्रियंका गांधी आके इस रैली को, प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी और आप लोगों से यहाँ रूबरू होंगे। दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।